काइंडली स्टूडेंट हाँ लोग मुझे चैट बॉक्स में फौरी तौर पे बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो फिर मैं आप लोगों को सेवंथ वन शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। नताशा की भी क्लास ज्वाइन हो गई है। नताशा आप भी रिप्लाई करें, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, मैम जी स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ना है वो हमारी सेवेंथ वन शॉर्ट स्टोरी है, द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट बाय एनी प्रोलॉग्स। एनी प्रोलॉग्स ने ये स्टोरी लिखी है। ऑडियो इसमें एनी प्रोलॉग्स जो इसकी राइटर है यो, ये यूएसए से बिलोंग करती है, अमेरिकन राइटर है। अब थोड़ी सी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अमेरिकन के वो नेटिव जो रिजर्वेशन बॉक्स में रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर किया, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, फिर फर्दर हम प्रोसीड करेंगे स्टोरी की तरफ। बेसिकली जब कोलंबस ने इसको अमेरिका को डिस्कवर किया था, तब वहां पे कुछ नेटिव्स रहते थे अमेरिका में। नेटिव थे वो रेड इंडियंस। अब रेड इंडियंस जो हैं उनका अपना एक कल्चर था, उनकी एक ट्रेडिशन थी, लेकिन उनकी ट्रेडिशंस, उनका कल्चर, उनके लीडर, उनकी लीडरशिप, उनका रिलीजन वो इस लेवल तक स्ट्रांग नहीं था कि वो खुद को डिफेंड कर सकते। कोलंबस ने जैसे इसको डिस्कवर किया अमेरिका को, उन्होंने ये जितने वाइट अमेरिकन हैं, ये वाइट पीपल, यूरोपियंस, ये इन्होंने अमेरिका को विजिट किया, इन्होंने उसको कैप्चर किया। वहाँ के जितने इनहेबिटेंट्स थे, जितने वहाँ के रहायशी थे, उनको उनकी एक्सप्लाइटेशन की, उनकी लैंग्वेज परस्पेक्टिव से भी, उनके कल्चर परस्पेक्टिव से भी, रिलीजियस परस्पेक्टिव से भी, ठीक है। उनके चाइल्ड को रिजर्वेशन बॉक्स में भेज दिया गया, उनके चाइल्ड को बोर्डिंग स्कूल में भिजवा दिया गया, पेरेंट्स को सेपरेट किया गया, ठीक है। एंड बोर्डिंग स्कूल में जितने उनके नेटिव अमेरिकन के जितने भी बच्चे थे, दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ देयर लैंग्वेज। वो अपने लैंग्वेज का एक लफ्ज भी वहां पे नहीं बोल सकते थे। फोर्सफुली दे हैव टू फेस द दे हैव टू एक्सेप्ट द कल्चर ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। फोर्सफुली वो कहते थे वो हमारे कल्चर को सीखे, हमारी जुबान को सीखे। इवन दो उनके पेरेंट्स जो नेटिव थे, उनको उन्होंने कुछ को रिजर्वेशन बॉक्स में बैंक दिया, कुछ जो है वो वहां से माइग्रेट कर गए। तो लोगों ने बहुत ज्यादा वहां पे सफर किया, और सफरिंग के बाद दे लॉस देयर रिलीजन, देयर कल्चर, देयर लैंग्वेज, देयर ट्रेडिशंस, मतलब उनके पास अब कुछ भी नहीं बाकी बचा ना। तो बेसिकली ये जो अमेरिकन राइटर है एनी प्रोलॉग्स, इसने कुछ इसी तरह की स्टोरी हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जिसमें एक बहुत छोटा सा टाउन है, उस टाउन में जस्ट 80 मेंबर्स हैं उस टाउन के, एंड दे आर अनएजुकेटेड, दे डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द यू कैन से देयर सोसाइटी, ठीक है। उनके पास उनकी अपनी भी कोई सिविलाइजेशन नहीं है। इवन दो दे आर इंडल्ज इन अ फ्रीवलस एक्टिविटीज, बहुत ही फ्रीवलस ट्रीवियल सी एक्टिविटीज में है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई उनके लिए एक्टिविटीज नहीं है, दे आर जस्ट डम एनिमल, खाया पिया और कुछ अपने लिए थोड़ा बहुत अर्न कर लिया, दैट इज ऑल फॉर देयर लाइफ। उनकी जिंदगी के लिए, जिंदगी में मतलब कुछ भी नहीं है। अब ना उनकी लाइफ में कोई मोटिवेशन है, एक बहुत ही छोटा सा रिजर्वेशन बॉक्स है, और इस तरह का रिजर्वेशन बॉक्स है जहाँ पे मतलब वो अपनी सोसाइटी से आइसोलेटेड हैं, सोसाइटी से उन्होंने कट ऑफ किया हुआ है। अच्छा, टू सम एक्सटेंट इसमें जो, अब अगर हम इसके करेक्टर्स की बात करें, करेक्टर्स कोई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट करेक्टर नहीं है इसमें, बस एक करेक्टर जो है वो ज्यादा बताया गया है, और वो थोड़ा सा एजुकेशन से इन टच भी है, वो फॉरेन ऑथर्स को भी पढ़ता है, ठीक है। वो अपनी वो थोड़ा सा सोसाइटी के साथ मूव भी करना चाह रहा है, सोसाइटी से अपने कनेक्शन में भी है, ठीक है।
जील वो करेक्टर है और दूसरा करेक्टर हमारे पास है रॉफ। अब बेसिकली उन्होंने इसको भी स्टोरी को भी थर्ड पर्सन ही नरेट कर रहा है। लास्ट स्टोरी जो हमने पढ़ी उसमें तो फर्स्ट पर्सन था जो खुद नरेटर अपनी स्टोरी बता रहा था, लेकिन इसमें जो है वो थर्ड पर्सन हमें स्टोरी नरेट कर रहा है। स्टोरी जैसे स्टार्ट होती है हम रीडर जो है वो ये एनालाइज करते हैं कि कुछ एक टाउन है जिसमें 80% जो है वो वहाँ पे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ट्रिवियल एक्टिविटीज में इंडल्ज है। उनकी लाइफ में कोई भी मोटिवेशन नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई भी उनकी लाइफ में सिस्टम नहीं है। अब एकदम से उस सोसाइटी के कुछ लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं उनमें मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए, उनको सोसाइटी में थोड़ा सा मूव करने के लिए वो उनसे कहते हैं कि आप हमने एक कंपटीशन कॉन्टेस्ट, बेसिकली जो टाइटल है इसका मतलब ही मुकाबला है ना, कंपटीशन है। तो अब कुछ लोग वहाँ के कह लें सीनियर्स पर्सन जो हैं वो वहाँ पे डिसाइड करते हैं दे आर गोइंग टू अरेंज अ कंपटीशन ऑफ बियर्ड। बियर मीन्स उन्होंने देखना है कि किसकी दाढ़ी जो है ना वो सबसे ज्यादा लंबी है, जिसकी बियर्ड सबसे ज्यादा लंबी होगी वो कंपटीशन जो है वो विन करेगा। अब इसमें वो बहुत जैसे ही ये कंपटीशन स्टार्ट होता है तो वो लोग जो बहुत ज्यादा फ्रिवोलस एक्टिविटीज में इंडल्जेंट, उनकी एक्टिविटीज बहुत ट्रिवियल हैं, वो अपनी लाइफ में उनकी मोटिवेशन नहीं है, बहुत ज्यादा वो वीक हैं, पुअर हैं, इवन दो वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, वो भी उनको भी मोटिवेशन मिल जाती है और वो भी जो है वो इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर अब नेक्स्ट ये होता है कि वो कंपटीशन हर कोई अब ट्राई कर रहा है कि उसकी बियर्ड जो है उसकी दाढ़ी सबसे ज्यादा बड़ी हो ताकि वो इस कंपटीशन को विन कर सके। कंपटीशन के डे पे अब मींस वो इतने मोटिवेट उनमें इतनी मोटिवेशन आ जाती है कि लोग जो हैं वो डेली मेजर करते हैं और अपनी बियर्ड को भी मेजर करते हैं, दूसरों की बियर्ड को भी, कि हम लोग किसको किस लेवल तक विन कर सकते हैं, विच वन इज बेटर, ठीक है, कौन जो है वो बेहतर जा रहा है, कौन जो है वो इसको विन कर सकता है कंपटीशन को। अब जिस दिन कंपटीशन होता है उस डे पे एक आउटसाइडर आता है, राफ, राफ आउटसाइडर आता है। और जब कंपटीशन स्टार्ट होता है कंपटीशन से पहले ही देखा जाता है कि वो राफ जो है उसकी बियर्ड सबसे ज्यादा बड़ी है। मीन इनसाइड द टाउन जितने 80% है उनमें से वो कुछ लोग तो अगेंस्ट भी होते हैं ना इस कंपटीशन के, सब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी होते हैं। जो कंपटीशन में पार्ट ले रहे होते हैं उनकी बियर्ड जो है वो राफ से छोटी होती है। राफ अब एक आउटसाइडर है और राफ जो है आउटसाइडर आके कंपटीशन को विन करते हैं। अब राफ एक आउटसाइडर का आके कंपटीशन विन कर लेना ये किस चीज का सिंबल है? बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ी सी हिस्ट्री बताई इसकी नेटिव अमेरिकन की, कि उनकी नेटिव अमेरिकन जो थे उनका एक ट्राइबल सिस्टम था, उनकी अपनी एक लैंग्वेज थी, उनका एक कल्चर था, उनका रिलीजन है, उनकी सरमनीज हैं, उनकी नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, लेकिन उन सारी ट्रेडिशंस के बावजूद आउटसाइडर आया है और उसने उनको, आउटसाइडर यूरोपियंस आए हैं उन्होंने उनको कैप्चर किया, उनकी एक्सप्लॉयटेशन किया, उनको रिजर्वेशन बॉक्स में डाल दिया गया, उनकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज थी उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया। मार्जिनलाइज कर देना जैसे नैरो कर देना ना किसी चीज को, जैसे हम एक पेपर पे भी मार्जिन लाइन मार्क्स मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसी तरह उन्होंने उनकी सारी एक्टिविटीज को मार्जिनलाइज कर दिया। अब ये देखिए कि लास्ट में कंपटीशन भी एक आउटसाइडर ही विन कर रहा है। अब आउटसाइडर ने जो कंपटीशन विन किया है वो इस चीज का सिंबल है दैट जो नरेटिव है नेटिव अमेरिकन या जो भी वहां के इनहेबिटेंट्स थे दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू सर्वाइव इन देयर सोसाइटी, के वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे। अगर वो उनका सारी ट्रेडिशन इतनी स्ट्रांग होती, उनका सिस्टम, उनका कल्चर, उनकी जितनी भी तहजीब है वो इतना स्ट्रांग होती तो डेफिनेटली वो विन करते। और अब ये बेसिकली राइटर जो है उसने अपनी लाइफ उतनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस पे भी बात किया है कि जो एक्चुअली अमेरिका में हुआ है यूएसए में, जैसे एक्चुअली नेटिव्स के साथ जो हुआ है वो उसने इस छोटे से कंपटीशन के थ्रू, इस कॉन्टेस्ट के थ्रू एनी प्रोलॉग्स ने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि किस तरह से इजीली एक आउटसाइडर आया और उसने आके पूरी एक 80 मेंबर्स के टाउन को जो है उनके उस कंपटीशन को उसने विन किया विदाउट एनी एफर्ट।
तो अब ये नेटिव अमेरिकन्स की एक्सप्लॉयटेशन की आप हिस्ट्री ले लें, आप नेटिव अमेरिकन्स जो हैं उनके साथ उनकी सोसाइटी में किस तरह से उनको मार्जिनलाइज किया गया, इस चीज़ का सिंबल है। इसमें बहुत ज़्यादा थीम है इस शॉर्ट स्टोरी में। इसमें इंडिपेंडेंसी का थीम है, इसमें स्ट्रगल का थीम है, इसमें बेसिकली एक्सेप्टेंस का थीम भी है जिस तरह से हमने लास्ट स्टोरी में पढ़ा। इसमें फिर फर्दर जो है नेटिव अमेरिकन की एक्सप्लॉयटेशन को भी डिस्कस किया गया। इसमें मोटिवेशन का थीम है। अच्छा, इसमें एक करेक्टर है रजील, वो करेक्टर जो है वो कनेक्ट होना चाहता है सोसाइटी से, वो आउटसाइडर की बुक्स भी पढ़ता है। इसमें एक कनेक्शन का थीम भी है कि किस तरह जो नेटिव हैं इनहेबिटेंट्स हैं उस टाउन के, जो एक आइसोलेशन में रह रहे हैं, आइसोलेशन भी इसका एक थीम है कि किस तरह से लोग जो है वो आइसोलेशन बियर कर रहे हैं, और दूसरा फ्रिवलस एक्टिविटीज में लोग किस तरह से इंडल्ज हैं। अब ये अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं था, बड़ा ट्रिवियल सा कंपटीशन है कि कौन अपनी बियर्ड बढ़ाता है। भाई डेफिनेटली जिसकी ऑलरेडी बड़ी होगी वो बढ़ाएगा। तो अब उन्होंने एफर्ट तो किया, लेकिन उनकी एक्टिविटीज देखे ना कितनी फ्रिवलस सी हैं। फ्रिवलस कहते हैं ट्रिवियल सी, बस नॉन सीरियस सी एक्टिविटीज। तो ये पूरी स्टोरी जो है वो उनकी नॉन सीरियस। अब देखें जिस तरह का उनका कंपटीशन नॉन सीरियस है, वैसे ही नॉन सीरियस एटीट्यूड के थ्रू एक पर्सन इजीली आता है और उसने वो आसानी से उस कंपटीशन को विन कर लेता, और सब लोग जो है वहीं पे उस कंपटीशन को, उस कॉन्टेस्ट को जो है वो खत्म कर देते हैं। फिर वहां पे ही जो स्टोरी का एंड हो जाता है कि लोग जो है वो दोबारा से जो उनमें मोटिवेशन आई थी वो खत्म हो गई, और वो दोबारा से अपनी उन्हीं फ्रिवलस एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं। इवन दो वो कंसिडर करते हैं कि फजूल, मतलब ये कंपटीशन जो है वो कंपटीशन रहा ही नहीं, एक आउटसाइडर आया है रॉक और उसने इजीली इस कंपटीशन को विन किया। तो जो पूरी स्टोरी है उसमें एक आइसोलेशन का थीम हमें मिलता है। आइसोलेशन जो सारे सोसाइटी से किस तरह से कट ऑफ कट कट किया उन्होंने सोसाइटी से, और उनका कोई कल्चर, उनकी कोई ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज से कोई वर्ड कुछ भी वहां पे शो नहीं हो रहा। बस उनकी फ्रिवोलस एक्टिविटीज बताई जा रही हैं कि वो बड़े मतलब ट्रिवियल सी एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं। उनकी एक्टिविटीज इतनी कोई आला किस्म की नहीं है जो उनकी स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन को शो करे। तो बेसिकली उनकी इन फ्रिवोलस एक्टिविटीज की को ही रीजन कंसिडर किया गया है उनकी एक्सप्लॉयटेशन का, कि कैसे। आप देखिए ना, सब कॉन्टिनेंट में भी तो हमने विजिट किया था यूरोपियन ने, यूरोपियन ने कोई एक कंट्री तो विजिट नहीं की। उन्होंने अफ्रीका को किया है, इराक को, ईरान को, बहुत सी इलाके ऐसे हैं जिनको उन्होंने विजिट किया है। हमारे सब कॉन्टिनेंट को भी अमेरिकन जो है, यूरोपियन सॉरी, वाइट यूरोपियन जो है उन्होंने विजिट किया था। इवन कि उन्होंने यहाँ पे 100 साल हुकूमत भी किया है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो हमारी सिविलाइजेशन को, ना तो हिंदुओं की सिविलाइजेशन को, ना ही मुस्लिम कम्युनिटी की सिविलाइजेशन को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लॉइट कर सकें। बहुत कोशिश की उन्होंने, आके अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया है, अपनी अथॉरिटीज को उन्होंने यूटिलाइज किया है हमारे सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन हमारे बहुत सारे लीडर थे जिनकी बेस, जिन्होंने अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को बेस बनाया और एक आइडियोलॉजी पे उन्होंने वर्क किया, और दोबारा से जो है वो फ्रीडम और जो है इंडिपेंडेंट हुए हैं। अपनी सोसाइटी को दोबारा से उन्होंने सेपरेट किया यूरोपियन कल्चर से, दो कि वो अभी भी हमें रूल कर रहे हैं, लेकिन पहले वो डायरेक्ट रूल कर रहे थे, अब इनडायरेक्ट रूल कर रहे हैं। जिस तरह से हमारा कल्चर, हमारा मजहब, हमारी ट्रेडिशंस बहुत स्ट्रांग थी और हम लोग जो है वो यूरोपियन में मर्ज नहीं हुए, तो इस तरह से जो अमेरिकन थे, नेटिव अमेरिकन, उनका कल्चर, उनकी लीडरशिप, उनके मेंबर्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, उनकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपनी सोसाइटी को, अपनी कल्चर की के सर्वाइवल के लिए कुछ कर सकते। उन्हें मार्जिनलाइज किया गया तो वो मार्जिनलाइज हो गए, ठीक है। उन्हें उनकी लैंग्वेज की, उनकी कल्चर की, उनकी ट्रेडिशंस की एक्सप्लाइटेशन की तो वो इजीली उन्होंने उस एक्सप्लाइटेशन को एक्सेप्ट किया। तो बेसिकली उनकी ये ट्रिवियलस एक्टिविटीज ही थी, उनका जो ये अपनी हर लेवल पे स्ट्रांग ना होना जो है वो रीजन बना है उनकी एक्सप्लाइटेशन का। तो ये जो कंपटीशन में भी उन्होंने पार्ट लिया है, वो एक कंपटीशन भी फ्रिवलस था, बहुत ही ट्रीवियस कंपटीशन है, और फिर उसको विन भी उसी उसी आसानी से किया गया है। तो ये सारा इवेंट शो करने का मकसद जो था वो नेटिव्स की वीकनेस शो करना था, कि नेटिव्स जो हैं उन्हें अमेरिकन,
उन्होंने किस तरह आसानी से अपना पूरा होमलैंड, अपनी पूरी कंट्री जो है वो एक आउटसाइडर को जो है वो पेश कर दी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके थीम पे, इसके जो बेसिक नोट, इसके नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इनके सेंड जो है वो शेयर करेंगे, इसके थीम क्या है, इसका टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है, राइटर करेक्टर सिग्निफिकेंस क्या है, करेक्टर उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी ट्रिवल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, और बेसिकली ये जो कॉन्टेस्ट है उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी वो नेटिव्स के लिए भी और आउटसाइडर के लिए भी, और बेसिकली रीजन क्या है उनकी इस आइसोलेशन की, उनकी इस स्ट्रगल, एमलेस स्ट्रगल की। पीएस का क्यों लेक्चर हो रहा है बी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बेटा?